फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास और इजराइल की हमलों और जवाबी हमलों से काफी इंसानी जानी गई है। इस विनाशकारी युद्ध के खिलाफ CPIM और कई जनवादी संगठने आज युद्ध विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, गाजा पट्टी पर हमले को समाप्त करें, सभी फिलिस्तीनी क्षेत्र के कब्जे को खाली करें, पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य दो राज्य समाधान की स्थापना सुनिश्चित करें। मांगों के साथ आज CPIM अर्थात माकपा जिला कमेटी धनबाद ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। वही वक्ताओं ने कहा कि इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार युद्ध एक अपराध है। आज धनबाद जिला मुख्यालय पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ अविलंब युद्ध समाप्ति के मांग पर हम लोग प्रदर्शन और धरना आयोजित कर रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरा देश में इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से इसराइल की ओर से इसराइल हमास के नाम पर फिलिस्तीन जनता पर हमले कर रहे हैं, इसके पहले हमास और इसराइल के युद्ध के कारण हजारों बच्चे, महिलाएं, आम जनता का निधन हो चुका है। अमानवीय रूप से अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं। हम हमास के द्वारा किया गया हमला का भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन को दशकों से बंधक बनाकर इनका बुनियादी अधिकार को समाप्त करके जिस तरीके से इसराइल और इनके सागिर्द अमेरिकी और दूसरे साम्राज्यवाद शक्तियों द्वारा हमला किया जा रहा है, हम उसका तीव्र निंदा करते हैं। भारत की सरकार ने जिस तरीके से इसराइल के समर्थन में बयान दिया है वो भी काफ़ी शर्मनाक है। गांधी जी के समय से जब भारत में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उस समय से भारत की जनता फिलिस्तीन जनता के बुनियादी अधिकार और अपने मातृभूमि में रहने के अधिकार के सवाल पर जो आंदोलन कर रहे हैं उस समय भी गांधी जी के नेतृत्व में समर्थन किया गया था। गोपीकांत बख्शी CPIM झारखंड राज्य कांग्रेस।